स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ साइंस में और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो यू की परीक्षा होने जा रही है उसमें मैथ का जो सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है तो सबसे पहले नंबर वन पे इसमें आ जाता है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम को अगर हम हिंदी में बात करें तो नंबर सिस्टम को कहते हैं संख्या पद्धति संख्या पद्धति और संख्या पद्धति जो है वो कुछ नहीं बेसिकली आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके बाद जो है दूसरा नंबर पे आ जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो रेशियो और प्रोपोर्शन को अगर हम बात करें तो इसमें हमको देखना होता है अनुपात और समानुपात अनुपात और समानुपात तीसरे नंबर पे आ जाती है बारी परसेंटेज की परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि आपको बात करनी है प्रतिशत की इसकी बात करनी है प्रतिशत और फिर इसके बाद और चौथे नंबर पे आ जाता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट यानी कि ब्याज और ब्याज में क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है केवल इंटरेस्ट ना सिंपल की बात कर रहा है ना कंपाउंड की तो ब्याज जो होगा वो साधारण ब्याज मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्ध ब्याज दोनों को इसमें पढ़ा जाएगा पांचवें नंबर पे आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि फिर इसके बाद जो है छठवें नंबर पे आ जाएगा एवरेज हिंदी में इसे कहते हैं औसत और सतवें नंबर पे आ जाता है सिंप्लीफिकेशन इसमें से बाकी की तुलना में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसको कहते हैं सरलीकरण वही बड वाला सरलीकरण फिर आठवें नंबर पे आ जाएगा टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क समय और कार्य या कार्य और समय समय और कार्य फिर नौवे नंबर पे आ जाता है टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी समय और दूरी फिर दसवें नंबर पे आ जाता है नाव और धारा वाले सवाल मतलब कि बोट एंड स्ट्रीम हम आपको दोनों लैंग्वेज में बताएंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और सिलेक्शन सभी का हो सके फिर इसके बाद ग्यारहवें नंबर पे आ जाता है लेवन पे है मैंसुरेशन मेंसुरेशन काफी ब्रॉड चैप्टर है अगर देखा जाए तो लेकिन मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ आप व्यू से आपको इसे बताऊंगा जिसे कहा जाता है क्षेत्र मिति क्षेत्र मिति और आखिरी और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन मिक्सचर एंड एलिगेशन तो मिक्सर का मतलब हो गया मिश्रण और एलिगेशन का मतलब हो गया सम मिश्रण मतलब मिश्रित चीज में भी मिश्रित करना अलग से जैसे सम मिश्रण कहते हैं तो कुल देखा जाए तो लगभग एक दर्जन हमारा जो सिलेबस तैयार हो रहा है और सबसे शुरुआत में है नंबर सिस्टम और सबसे लास्ट में है मिक्सर तो आज हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम को और हम लोग इसको बड़ी डीपली स्टडी करेंगे ताकि कोई चीज छूटे ना तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमको यह जानना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर या फिर संख्याओं का वर्गीकरण तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या संख्याओं का वर्गीकरण कितनी तरीके की संख्याएं होती है वो हम इसमें जानेंगे संख्याओं का वर्गीकरण इसके बाद हम लोग इसमें जान लेंगे डिविजिबिलिटी रूल या विभाजिता के नियम डिविजिबिलिटी रूल्स कौन कौन से हैं जिनका बेसिकली यूज होता है या विभाजिता नियम इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोज या फिर जीरो की संक्रियाएं किस तरीके से संख्याओं के साथ होती हैं तो नंबर ऑफ जीरोज मतलब कि शून्य की, शून की संक्रियाएं शून्य की संक्रिया बहुत थोड़ा थोड़ा है ये कुछ ज्यादा नहीं है शून्य की संक्रियाएं शून्य की संक्रियाएं फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट क्या होते हैं तो यूनिट डिजिट्स या अंक और संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग फिर इसके बाद है नंबर ऑफ डिजिट्स और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम या शेष फल पर में रिमाइंडर थ्योरम या शेष फल पर में क्या होती है वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे तो अभी हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स अगर हम संख्याओं को वर्गीकृत करें तो सबसे पहले हम अगर देखें ब्रॉड लेवल पे तो हमारे सामने दो तरीके की संख्याएं मिलती हैं पहला होता है वास्तविक संख्याएं जिसे रियल नंबर कहते हैं रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर नंबर या फिर काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो आपको यहां पर बताते चले कि वास्तविक संख्याओं का तो सिलेबस पूरा पूरा होता है हमारे पास बहुत चीजें पढ़ना होता है वास्तविक संख्याओं में लेकिन जो ये काल्पनिक संख्याएं हैं ये बेसिकली जैसा नाम है इनका उसी तरीके से ये संख्याएं है भी इनका आगे कुछ भी नहीं है मतलब आगे इसमें कुछ पढ़ना नहीं है बस हम ये जान लेते हैं कि मेजरिंग नंबर होते क्या है दरअसल कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमको मान लीजिए किसी का वर्गमूल निकालना हो मान लीजिए हमसे कहा जाए कि अगर हम चार का वर्गमूल निकालते हैं तो इसके वर्गमूल जो होते हैं वो दो मिलते हैं एक तो प्लस का दो मिलता है और दूसरा माइनस का दो आप इसका वर्ग करोगे तब भी चार मिलेगा अगर हम दो का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें मिलता है चार और माइनस दो का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तब भी हमें मिलता है चार मतलब अगर हम चार का वर्गमूल लेते हैं तो हमारी दो कंडीशन मिलती है एक प्लस के दो की और दूसरी माइनस की दो की तो यहाँ पर यह बात आ जाती है कि आखिर ये जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं मतलब कि ये भी वर्गमूल में पॉजिटिव हो जाती हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करती ही हैं तो इनको किस तरीके से नोट किया जाता है अगर देखा जाए तो एक नंबर माना गया है जैसे कि इमेजिनरी नंबर है तो इसका पहला लेटर आई, है, तो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली जो हमको पढ़ने को मिलता मिलता है है वो ये मिलता है कि आई का मान जो होगा वो होगा बराबर माइनस वन के अगर आप इतनी बात ध्यान में रखते हो कि आई स्क्वायर बराबर माइनस वन जहां पर ये जो आई है इसे आयोटा कहते हैं आई को हम लोग कह देते हैं क्या ये रिप्रेजेंटेशन है आयोटा तो ये जो आई स्क्वायर बराबर माइनस वन के होता है इसमें अगर हम आई को निकालें तो क्या मिलेगा भाई इधर के स्क्वायर रूट बन जाएगा मतलब कि आई बराबर माइनस का वन हो जाएगा तो यही इतनी बात है कि अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव संख्या आ रही है तो उसे हम इमेजनरी नंबर कहेंगे या काल्पनिक संख्या कहेंगे रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए अब रूट में क्या हो माइनस का वन भी हो सकता है रूट में क्या हो माइनस का टू भी हो सकता है रूट में क्या हो माइनस का फोर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर है तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहें बस इसमें आपको इतना ही जानना है और कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है अब आते हैं वास्तविक संख्याएं बेसिकली वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें वास्तविक संख्या जो होती है वो देखा जाए तो रेसनल और इरेशनल दो तरीके की संख्याएं हो गई फिर रेसनल जो होती हैं वो इंटीजर से बनी होती हैं और इंटीजर्स जो होती हैं वो होल नंबर से बनी होती हैं होल नंबर जो होती हैं वो आ, बनी होती है नेचुरल नंबर से तो अगर हम इसको डिवाइड करें दो पार्ट में तो इसमें आ जाएगा कि रियल नंबर जो होता है वो दो पार्ट में हो जाता है पहला होता है रेशनल नंबर रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर नंबर हिंदी में से कह सकते हैं परिमेय संख्या और इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या अब जैसा कि इसका नाम ही है वैसे ही इसका सारा डिफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी परिमेय का मतलब होता है परिमित कर देना मतलब निश्चित कर देना मतलब ये डिफाइंड हो और अपरिमेय का मतलब होता है अपरिमित असीमित मतलब जिसको हम एग्जैक्ट वैल्यू ना पता कर सकें यू कह सकते हो कि परिमेय संख्या वे हैं जिनका हम कोई एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका हम एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं जैसे कि इसमें आ जाता है एक नंबर पाई वैसे तो हम लोग कह देते हैं कि पाई का मान क्या होता है भाई 22/7 होता है आपको देखने में जो लगता है कि 22/7 है ये पी p/q के फॉर्म में है लेकिन सचमुच में अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3.1472 ऐसे होता है, ये चला जाएगा ये कभी भी खत्म आगे नहीं होगा मतलब कि इसकी हम फिक्स्ड वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं निश्चित मान इसका हम पता नहीं कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे मान लो कहा जाए कि रूट टू का मान निकालो तो रूट टू का मान आप निकालते चले जाओगे इसका भी जो है कोई फिक्स मान आपको नहीं मिलेगा इसी तरीके से अगर मैं कह दूंगी रूट थ्री का निकालो तो रूट थ्री का मान भी हो जो होगा वो कोई फिक्स्ड मान नहीं मिलेगा मतलब इसमें नॉट फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी हमको फिक्स्ड वैल्यू हम यू कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो मतलब ये जो मान आता है इसका ये रिपीट भी नहीं करता है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो पहली चीज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब कि जो विभाजित भी ना हो और पुनरावृत्ति भी ना हो दोनों चीजें इसमें अगर ना हो तभी ये अपर होगा ना तो वो भीवाज़। अगर विभाजित हो गया तो फिक्स वैल्यू हो गई और पुनरावृत्ति हो रही तभी है तब भी हम उसको विभाजित कर सकते हैं लेकिन ना तो पुनरावृत्ति हो और ना ही विभाजित हो तो वो इरेशनल नंबर होते हैं अब रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं बहुत सिंपल सा है रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकें अंश बटे हर का रूप बना सकें लेकिन कंडीशन ये है कि Q जो है मतलब ये जो नीचे हर में है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जो P और Q हो वो इंटीजर्स होने चाहिए जो P और Q हो वो क्या हो इंटीजर्स हो इंटीजर्स क्या होते हैं मैं अभी बता देता हूं आपको इंटीजर्स कहा जाता है पूर्णांक पूर्णांक का मतलब हो गया पूरा पूरा अंक पूरा पूरा अंक का मतलब जैसे हो गया एक हो गया दो हो गया माइनस का एक हो गया माइनस का तीन हो गया पूरा का पूरा अंक हो ये आ, मतलब फ्रैक्शनलाइज वैल्यू ना हो ऐसा ना हो कि ये लिखा हुआ हो वन पॉइंट थ्री या वन पॉइंट टू ये सब ना हो मतलब पूर्णांक वे होते हैं जो पूरा पूरा हो पूरा हो तो परिमेय संख्या क्या हो गई पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाएगा जैसे कि हम मान लेते हैं दो ये हमारा परिमेय संख्या है इसको हम दो बटे एक लिख सकते हैं एक ये भी हमारी परिमेय संख्या है माइनस का तीन और बटे अगर हम कुछ भी लिख दें दो लिख दें तीन लिख दें तो ये भी क्या है हमारी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या हो गई जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यों जो है वो जीरो ना हो तो अब बात आ गई पूर्णांक की पूर्णांक में क्या होता है वो संख्या जो पूरा पूरा हो और पूर्णांक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं क्या क्या होते हैं हम बता रहे हैं आपको तो हम लोग देख रहे थे कि जो है रेशनल नंबर क्या होती है और इरेशनल नंबर क्या होती है तो जो रेशनल नंबर है तो उनको मैंने बता दिया आपको कि ये किस रूप में लिखी जा सकती है या इसे परमेय संख्या कहते हैं अभी हम देख रहे थे और इसे किस रूप में पी बैठे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है क्यू जो है वो जीरो को बराबर नहीं होना चाहिए और पी और क्यू कैसे नंबर होंगे ये इंटीजर्स होंगे ये होंगे इंटीजर्स इंटीजर्स को जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक और जैसा इसका शब्द अगर हम शब्द को ध्यान से देख लेंगे तो सारी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी पूर्णांक का मतलब हो होगा पूरा पूरा अंक हो चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो और चाहे जीरो हो तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहते हैं कि सर भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर होता है कुछ की नहीं होता है जैसे अगर मैं लिख दू तीन बटे दो पी बटे के क्यू के रूप में ये भी है और माइनस का चार बटे पांच में ये भी लिख देता हूं ये भी पी बटे क्यू के रूप में है अब हम किसको कहेंगे कि परिमेय है किसको कहेंगे कि भिन्न है तो बहुत सिंपल सा है आप ये जान लो कि जो इंटीजर्स होते हैं ये इसको अगर हम बांटे तो इसमें धनात्मक संख्याएं भी होती हैं ऋणात्मक भी होती हैं और जीरो भी होता है मतलब अगर इसका हम नंबर लाइन बनाएं नंबर लाइन में बीच में अगर जीरो कर देते हैं तो राइट right साइड में जो होगा वो धनात्मक संख्या और लेफ्ट साइड में जो होगा वो ऋणात्मक संख्याएं होती है मतलब इधर होती है ऋणात्मक संख्याएं और इधर होती है धनात्मक संख्याएं और बीच में होता है जीरो मतलब इधर मान लीजिए वन है टू है थ्री है फोर है तो इधर क्या होंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर परमीय संख्या में पूर्णांक यूज हो रहे हैं तो पूर्णांक हमारे वो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं अब यहां पर देखो इसे हम देखें तो इसमें देखोगे थ्री अपॉइंट टू ये पूर्णांक है लेकिन इसमें ध्यान से आप देखो तो इसमें सिर्फ धन पूर्णांक है ऋण पूर्णांक इसमें नहीं है तो ये हमारी भिन्न है और ये क्या है ये परिमेय है अब बात ये आ रही है कि क्या ये भिन्न है तो परिमेय नहीं है क्योंकि परिमेय में तो क्या होता है प्लस और माइनस दोनों वाली संख्या होती है तो ये भिन्न और परिमेय दोनों है और परिमेय ये दोनों है लेकिन ये क्या है ये केवल परिमेय है तो आप यू समझ लेना कि जो प्लस में अगर लिखा हुआ मिले तो वो भिन्न भी है और परिमेय भी है लेकिन अगर माइनस वाली संख्या है उसमें तो वो केवल और केवल क्या है परिमेय है तो हम ये कह सकते हैं कि सभी भिन्न सभी भिन्न परिमेय है लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती भिन्न नहीं होती तो जितनी भी भिन्न होती वो सभी परमेय संख्या हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं भिन्न हो जाएं ये जरूरी नहीं है कौन सी परमेय संख्या भिन्न हो सकती है वे परमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं जिनमें पॉजिटिव इंटीजर्स हो धनात्मक संख्याएं हो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये पूर्णांक होते क्या हैं तो पूर्णांक या फिर इंटीजर्स पूर्णांक या फिर इंटीजर्स बहुत थोड़े में हम समझ लेंगे ढेर सारा तो शून्य और निगेटिव और पॉजिटिव मतलब निगेटिव नंबर हो पॉजिटिव नंबर हो और जीरो भी हो इन तीनों का अगर हम सम्मिलित रूप अगर कहीं लिखते हैं तो वो हमारा होता है पूर्णांक तो पूर्णांक में शून्य भी होता है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं अब देखो इंटीजर नंबर की कल्पना आई कहाँ से दरअसल कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आ, हमको टेम्परेचर ही नापना हो तो टेम्परेचर नापने में क्या करते हैं भाई टेम्परेचर कभी कभी क्या जीरो फिर उसके बाद ये प्लस आ, में वन फिर प्लस में टू प्लस में थ्री ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर दिखा रहा है कि तापमान बढ़ रहा है ताप बढ़ रहा है लेकिन अगर ताप घटता है तो हम उसको दिखाते हैं माइनस का वन माइनस का टू माइनस का थ्री माइनस का फोर मतलब कहने का ये हो गया यहां पे ताप घट रहा है तो हमारा मतलब यह है कि माइनस की संख्याएं जो होती हैं वो कमी को दिखाती हैं किसको दिखाती हैं कमी को और जो प्लस की संख्याएं होती हैं वो वृद्धि को दिखाती हैं जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो वृद्धि को दिखाती हैं और निगेटिव संख्याएं जो होती हैं वो कमी को दिखाती हैं अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको कहीं गहराई ही ना हो जैसे मान लीजिए ये जमीन है ये जमीन है तो जमीन के नीचे का जो भी हिस्सा हम नापेंगे नीचे की जो भी लंबाई होगी उसको हम निगेटिव में नापेंगे माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन ऊपर का जो भी होगा उसे हम प्लस में नापेंगे कि प्लस का वन प्लस का टू प्लस का थ्री तो ये हो गया इंटीजर नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी जमीन से नीचे जमीन से ऊपर या तापमान का घटना या तापमान का बढ़ना कैसे रिप्रेजेंट किया जाए तो इसलिए हमको इंटीजर्स नंबर की आवश्यकता हुई जीरो हमारा बताता है बिल्कुल मध्य का पॉइंट कि इससे दाहिनी तरफ धनात्मक है और बाई तरफ ऋणात्मक है हाँ, सिर्फ दाहिने और बाई ही नहीं ऊपर और नीचे भी बताता है अब अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब इंटीजर्स नंबर हमने समझ लिए हैं इंटीजर नंबर के बाद बारी आ जाती है फ्रैक्शन की तो फ्रैक्शन को तो हिंदी में कहते हैं भिन्न और भिन्न के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं भिन्न आपको तीन तरीके की मिलेंगी पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन या इसे हम उचित भिन्न कह सकते हैं उचित भिन्न और दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न आप कह सकते हो अनुचित भिन्न और तीसरे नंबर पे आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें से काफी सवाल बनते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन दरअसल जब फ्रैक्शन की बात ही आती है तो बंटवारे की बात होती है इसका मतलब यह हो गया कि उसमें हमको कोई पूरी वैल्यू नहीं मिली है या आधा मिला है या तिहावा मिला है चौथाई मिला है तो कहने का मतलब कि अगर जैसे एक बटे चार लिखा हो एक बटे दो लिखा हो एक बटे तीन लिखा सॉरी तीन बटे पांच लिखा हो ये भी हो सकता है तो मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है या जो अंश है वो हर से छोटा हो मतलब न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से अंश जो है वो छोटा हो हर से तो उसे कहेंगे उचित भिन्न भाई ये उचित भी है क्योंकि भिन्न या बंटवारा या बांटना तभी हुआ जब मतलब वो पूरा पूरा नहीं दिया जा सकता हो तभी वो उसका बंटवारा होना हुआ और अगर जैसे मैं कि फ्रैक्शन में क्या होता है इसमें क्या होता है उल्टा हो जाता है जो डिनोमिनेटर होता है, हो है न्यूमरेटर से मतलब जो हर होगा वो छोटा हो जाएगा किससे अंश से तो इसमें कैसे संख्या होंगी जैसे लिखा हो पांच बटे दो अब क्या मतलब है इसको लिखने का भाई आप इसमें देख रहे हो कि दो लोगों में पांच को बांटना है तो ऐसे भी हम दे सकते थे दो दो पहले हम दे देते दोनों को उसके बाद जो एक बसता उसको हम लोग बांट देते आधा आधा करके तो इसीलिए शुद्धिकरण किया है इसने तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो सात बटे पांच दस बटे सात ये सारी की सारी भिन्न क्या है ये इम फ्रैक्शन है अब इम फ्रैक्शन ही कन्वर्ट हो जाती है मिक्सड फ्रैक्शन में जैसे पांच बटे दो हमारी ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको हम दो से अगर भाग दे पांच को तो क्या होगा दो दूना चार एक बच जाएगा मतलब दो बार इसको हम पूरा पूरा बांट सकते हैं और एक को हम क्या करेंगे दो टुकड़े करेंगे मतलब ये हो गया दो सही एक बटे दो दो हमारा पूरा पूरा नंबर बटेगा और एक जो होगा वो हमारा दो भागों में बट जाएगा तो इसमें क्या होता है इसे कहते हैं दो सही एक बटे दो तो सही का मतलब हो गया पूर्ण या टू होल वन अपॉन टू तो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन, इमर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन जान लिया है अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तो संख्या की शुरुआत ही नेचुरल नंबर से ही हुई है लेकिन अब हमको बांटते हुए चलना था इसलिए हमने इसको बाद में लिया है नेचुरल नंबर इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या अब देखो जरा प्राकृतिक संख्या नाम ही है इसका प्राकृतिक प्रकृति की संख्या प्रकृति ईश्वर है मतलब कि पहली संख्या को हम लोग ईश्वर के नाम या प्रकृति के नाम कर दिया तो इसमें होता क्या है भाई प्राकृतिक संख्या में इसमें दरअसल जब संख्याएं थी ही नहीं और पहली बार कोई संख्या बनी तो संख्या की जरूरत इस वजह से बनी कि हम चीजों को गिने इसीलिए इसका दूसरा भी नाम है गिनती की, की, की संख्या गिनती की संख्या या इसको गणना की संख्या भी कह सकते हो गणना की संख्या अब देखो समझते चलते हैं जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी डिफिनेशन आ जाती है मतलब वे संख्याएं जिनसे हम चीजों को गिने वे संख्याएं जिनसे हम चीजों को गिने कि अगर, अगर गिनना शुरू कर, शुरू करते हैं अगर हम गिनना शुरू करते हैं तो कहां शुरू करते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ऐसे करते हुए गिनते हैं तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अनंत तक जाएंगी कहां तक जाएंगी अनंत ये अनंत का साइन है तो इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो सबसे बड़ी कोई नहीं होती कोई नहीं अब देखो कई बार यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है लोग कहते हैं कि इसमें जीरो है जीरो पहले नहीं था तो ये आप यहां पर आज क्लियर कर लीजिए कि प्राकृतिक संख्या में हमारी जीरो था ऐसा नहीं है क्योंकि प्राकृतिक संख्या अनंत तक तभी जाएगी जब उसमें दस बीस तीस सौ ये सब आएंगे तभी तो अनंत तक जाएगी तो लोग कहने लगे कि जीरो तभी आया जब उसमें जो है होल नंबर या पूर्ण संख्याओं को बनाया गया तभी जीरो आया ऐसा नहीं है दरअसल आप इसमें देखोगे तो इसमें जीरो आपको कहीं अकेला नहीं मिलेगा बाकी एक से लेकर नौ तक की संख्याएं ये अकेली हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ ये अकेले में लिखी लेकिन जीरो कहीं अकेले में नहीं लिखा हुआ था और जब इनका कैलकुलेशन शुरू किया जाने लगा जैसे कहा गया कि तीन में से दो घटाओ तो आप कहते थे एक और एक हमारी प्राकृतिक संख्या मिल जाता था किसी ने कहा कि भाई तीन में से तीन घटाओ कितना आएगा तो वहां पर आवश्यकता पड़ गई कि हाँ भाई जीरो भी होना चाहिए तो नई संख्या बन गई हमारी फिर होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या ये पूर्ण संख्या है और उधर पूर्णांक था कंफ्यूज मत होना पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर है तो ये होती है पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ही थी बस जीरो को भी स्थान दे दिया गया कि हाँ अकेले में आप भी रह सकते हो आपका भी वजूद अकेले में भी है तो जो पूर्ण संख्या थी वो हमारी जीरो शुरू होने लगी जीरो एक दो तीन चार पाँच छऐ ऐसे होते होते अनंत तक ये भी जाती है अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की जाए तो वो जीरो है ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी की अगर बात की जाए तो इसमें भी कोई नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी संख्या

काफी लोग जानते भी होंगे वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित हो पूर्ण विभाजित हो ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाती हैं, जैसे दो चार छह आठ दस बारह ऐसे होता हुआ चला जाए वो सम संख्याएं है होती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है विषम संख्याएं या और नंबर्स तो ऑड नंबर्स होते हैं विषम संख्याएं अब सिलेबस में है इसलिए मैं इसे करूंगा वैसे तो काफी सब लोग जानते ही होंगे तो विषम संख्या क्या होती है जो दो से विभाजित ना हो दो से विभाजित ना हो जैसे कि एक तीन पांच सात नौ ऐसे होता चला जाएगा आपको यहां पर देखने से यह पता लग रहा है कि अगर हम सम संख्या और विषम संख्या को मिला लें तो हमारी प्राकृतिक संख्या बन जाती है तो इसको भी माइंड में रखना सम संख्या और प्लस विषम संख्या इनको मिला लेते हैं तो हमें मिल जाता है कौन प्राकृतिक संख्या कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं बेसिकली वाले अब इसके बाद बारी करें, आ, बारी आती है किसकी भाई प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं इसकी डिफिनेशन में काफी लोग मिस्टेक करते हैं कई बार वो कह देते हैं कि वे संख्याएं जो अपने आप से कटे या एक से कटे इसके अलावा किसी और से ना कटे तो उन्हें अभाज संख्या कहते हैं ये मैं आपको बता दूं कि ये अपूर्ण डिफिनिशन है अभाज संख्या में वे संख्याएं होती हैं पहली चीज वे खुद से या एक से विभाजित हो विभाजित हो ये आधी है अभी ये बात आधी है और साथ ही साथ और उनके कम से कम दो अलग अलग गुणनखंड खंड बने बने अब आपको बात यहां पर समझ में आ रही है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटें या एक से कटें और साथ ही साथ उसके कम से कम दो अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए यह होती है पूरी डिफिनेशन प्राइम नंबर की जैसे अगर कहा जाए तो अभाज संख्याएं भाई देखा जाए तो जो हम एक की बात करते हैं एक भी तो एक से ही कटता है और अपने आप से ही कटता है लेकिन इसको हम प्राइम नंबर नहीं कहते ये अभाज्य संख्या नहीं है अगर आप आधी डिफिनेशन लेते हो तब तो यह संतुष्ट हो जाता है लेकिन अगर आप पूरी डिफिनेशन जब लोगे तो यह संतुष्ट नहीं होगा क्यों क्योंकि इसके दो अलग अलग, अलग गुणनखंड नहीं होंगे अगर इसका आप गुणनखंड बनाओगे तो एक कम एक ही बनेगा इसमें अलग अलग संख्याएं नहीं आएंगी इसीलिए हमारी अभाज्य संख्या शुरू होती है दो से ये हमारी अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके दो गुणनखंड बन सकते हैं भाई ये दो से ही कटेगा और एक से कटेगा एक से कटने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है मतलब दो से विभाजित हो और एक से विभाजित हो और इसके दो अलग अलग गुणनखंड बने जैसे इसके दो अलग अलग, अलग गुणनखंड क्या हो सकते हैं दो गुड़े एक, एक गुणनखंड हमारा दो है दूसरा गुणनखंड हमारा एक है तो अभाज्य संख्या हमारी शुरू होती है कहां से दो से सबसे छोटी अभाज्य अभाज संख्या है और ये भी है ये भी ध्यान रखना तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो दो है एक नहीं है पहली चीज ये ध्यान रखना और वो सम संख्या भी है अब जैसे अगर मैं बात करूं तीन की तो तीन भी हमारी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये तीन या तो तीन से ही कटता है या एक से कटता है और इसके दो अलग अलग, अलग गुणनखंड बन जाते हैं तीन गुड़े एक पांच की बात करूं ये भी पांच गुड़े एक यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो भी अभाज्य संख्या होंगी उसमें गुणनखंड में एक जरूर रहेगा मतलब एक गुणनखंड उनका एक रहेगा जरूर दूसरा गुणनखंड वे खुद ही रहेंगे ये भी क्लियर बात है मतलब अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें दो गुणनखंड हो और उनमें से एक गुणनखंड हमारा एक रहेगा ये पक्की बात है और दूसरा गुणनखंड जो होगा वो खुद वो संख्या ही होगी ये बात यहाँ पर क्लियर रखना है अब इसी का यूज हम आगे भी करेंगे जब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर नंबर की तो कंपोजिट नंबर हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग बात कर रहे थे कंपोजिट नंबर की या फिर भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं आप कह सकते हो अब हमारी जो अभाज संख्या थी उसमें क्या था कि उसके दो गुणनखंड बनने चाहिए अलग अलग हो दोनों एक वो खुद संख्या ही रहती है और दूसरा एक रहता है अब अगर कंपोजिट प्राइम नंबर लिखना चाहे तो शुरू होता है दो तीन पांच सात नौ नहीं आएगा फिर इसके बाद आएगा ग्यारह फिर तेरह फिर सत्रह फिर उन्नीस फिर इसके बाद तेईस ऐसे होता चला जाएगा फिर इसके बाद उन्तीस तो अब देखो बीच में कुछ संख्याएं छूटी हुई हैं वो सारी की सारी ही कंपोज़िट नंबर हैं और उसकी डिफिनेशन इस तरीके से बनती है कि इसके दो से अधिक गुणनखंड जैसे हम चार ले लेते हैं भाई दो तीन हो गया यहां पे चार छोटा है अब अगर चार की हम बात करें तो इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं एक गुड़े दो गुड़े दो अब इसमें क्या है दो से अधिक गुणनखंड बन गए मतलब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो दो से अधिक गुणनखंड खंड हूं अगर कोई ऐसी संख्या है जिससे जिसके जो है दो से ज्यादा गुणनखंड बन जा रहे हैं तीन चार पांच छह गुणनखंड हो जा रहे हैं तो वो समझ लेना कि वो कंपोजिट नंबर्स है अब जैसे हमने चार का लिया इसके बाद छह ले लेते हैं तो छह का क्या हो जाएगा छह को अगर लिखोगे दो गुड़े तीन और गुड़े एक सब में रहता ही है तो इसमें भी कितने हो गए तीन हो गए अगर हम बारह ले लेते ले ले हैं तो क्या हो जाएगा दो गुड़े दो गुड़े तीन दो दोनों चार तक बारह और फिर एक रहेगा इसमें देखो कितने चार गुणनखंड हो गए तो ये चार छ आठ दस ये सभी क्या है ये कंपोजिट नंबर है तो यहां पर एक बात और आ गई है अब देखो क्या आ गई है अगर हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को मिला लेते हैं तो हमारी संख्या दो से भले स्टार्ट होगी क्योंकि एक तो हमारा छूट जाएगा क्योंकि एक जो है प्राइम नंबर में नहीं था तो दो से दो से शुरू होगी हमारी संख्या और तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और फिर ये अनंत तक जाएगी मतलब हम अगर देखें तो एक मिला लें और साथ में प्राइम और कंपोजिट मिला लें मतलब कि एक लिखें और प्लस प्राइम नंबर और प्लस कंपोजिट नंबर लिखें तो फिर से हमें कौन सी संख्या, संख्या मिल जाएंगी नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या मिल जाएंगी ये थोड़ा की पॉइंट है कभी कभी इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं मतलब एक को साथ में ले लिया जाए प्राइम नंबर को साथ में ले लिया जाए आभार संख्या को साथ में ले लिया जाए और कंपोजिट संख्याओं को साथ में ले लिया जाए तो पूरी की पूरी हमारी प्राकृतिक संख्या फिर से बन जाती है तो इस तरीके से हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ये कंप्लीट हुआ है अब इससे बाहर कुछ नहीं आना है अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे नंबर शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स या विभाज्यता के नियम कौन कौन से हैं